अल्ट्रासाउंड सेंटरों और अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होमों की नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा निगरानी की जा रही है, जिसके बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में रजिस्टर्ड हॉस्पिटलों की संख्या लगभग 3000 है और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की संख्या 2600 है। उन्होंने मानक को लेकर बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक डॉक्टर होना चाहिए और चिकित्सालय का बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। अगर किराए पर अल्ट्रासाउंड सेंटर है तो एफिडेविट होना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों के मानक के बारे में बताया कि पहले MBBS डॉक्टर को दिया जाता था, अभी MBBS डॉक्टर को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक MD MS या डिप्लोमा चिकित्सक होता है वही अल्ट्रासाउंड सेंटर चला सकता है। उन्होंने कहा कि जनपद में जो भी अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उनके ऊपर नियमित रूप से टीमों के द्वारा निगरानी की जा रही है और जो अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल मिलते हैं उनका समय समय पर छापेमारी की कार्रवाई कर संचालकों को जेल भेजा जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए जनपद में रजिस्टर्ड चिकित्सालयों की संख्या लगभग 3000 है और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की संख्या लगभग 2600। सर क्या माना करें? देखिए अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के लिए है कि उनके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक चिकित्सक होना चाहिए और उनका चिकित्सालय का बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट का होता है और फायर का होता है, साथ में उनकी भवन का स्वामित्व हो। अगर भवन का स्वामित्व स्वयं का नहीं है तो वो किराए के भवन का उसका एफिडेविट होना चाहिए। डॉक्टरों का ये है कि डॉक्टर जो है MBBS को पहले दिया जाता था, वर्तमान समय में MBBS को रोक दिया गया है। कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक MD MS या डिप्लोमा चिकित्सक जो होता है वो अल्ट्रासाउंड सेंटर चला सकता है। देखिए अनरजिस्टर्ड चिकित्सालय जो हैं अवैधानिक होते हैं, जो चोरी छिपे लोग चलाते हैं, इन पर नियमित रूप से निगरानी की जा रही है, इनका नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा है और हमारी दस्तामार टीमें बनी हुई हैं जो लगातार इनके ऊपर जो है निगरानी करती हैं और जो जो मिलते हैं उन पर जो है समय समय पर छापेमारी की कार्यवाही भी की जाती है, उनके विरुद्ध FIR और अभियोग दर्ज करा करके उनको जेल भेजा जाता है।